बॉबी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इस वक्त इंडिया में हैं और हर तरफ छाई हुई हैं। प्रियंका चोपड़ा हाल ही में नजर आई थी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के ओपनिंग सेरेमनी पर, जहां पर उनके साथ निक जोनस भी थे। प्रियंका चोपड़ा को रणवीर सिंह के साथ स्टेज पर डांस करते भी देखा गया था और अब एक्ट्रेस लग चुकी है एक बार फिर से काम में। इंडिया से स्टार्ट कर दिए हैं प्रियंका चोपड़ा ने अमेजोन प्राइम पर आने वाली सीरीज सिटेडल के प्रमोशंस, और उसमें उन्हें ज्वाइन किया है उनके को स्टार यानी कि रिचर्ड मेडन ने। दोनों साथ में पहुंचे एक प्रेस इवेंट अटेंड करने के लिए और दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। साथ में प्रियंका और रिचर्ड काफी गुड लुकिंग लगते हैं। प्रियंका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी इस गोल्ड डीप नेक ड्रेस में विद अ ब्लैक बो, और उतनी ही कॉन्फिडेंटली वो अपने आने वाले सीरीज को प्रमोट करती भी दिखी। लेकिन सभी का यहाँ पर ध्यान रहा प्रियंका चोपड़ा की लास्ट स्टेटमेंट पर, जो उन्होंने इंडिया आने से पहले एक पॉडकास्ट में कहा था कि वो बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से थक गई थी, जिस वजह से उन्होंने LA मूव किया। प्रियंका चोपड़ा से इसी बारे में सवाल किया गया कि उन्होंने इस बारे में अब जाकर बात क्यों की, तो प्रियंका ने कहा कि वो अपनी जर्नी के बारे में बात कर रही थी उस पॉडकास्ट में, और उनकी जर्नी का ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था इंडिया से LA मूव होने का, और अब उन्हें लगता है कि वो ऐसे प्लेस पर है कि वो इस बारे में बात कर सकती है। पर प्रियंका ने साथ में ये भी कहा कि अब उन्होंने इस बात के साथ पीस बना लिया है और वो मूव ऑन कर चुकी है और वो ये सब कुछ भुला चुकी है, लेकिन फिर भी ये उनकी लाइफ का हिस्सा है, इसलिए वो इसके बारे में बात करती दिखी। देखिए प्रियंका के इंटरव्यू की ये वीडियो। I was talking about the truth of my journey, and I think now I was confident enough to talk about that phase of my life. I think now where I am, I was okay enough to kind of articulate what I felt. I think I had a very tumultuous relationship with what occurred, but I forgave, I moved on a long time ago, and then I made my peace with it.